हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूँ किरण। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेहतरीन हेयर केयर DIY लेकर के आई हूँ, जिससे आपके बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब के सब दूर हो जाएगा। आपका बाल बेहद लंबा, काला, घना, मुलायम हो जाएगा। दोस्तों, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। जितने भी आपके बाल बढ़ती है उसमें आप 10 गुना ऐड कर लो, आपके बाल ज़रूर से ज़रूर बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया रेमेडी लेकर के आई हूँ आप सभी लोगों के लिए, आपको ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है ये हमारा है अरहुल का पेड़। बहुत सारे लोग इसको जो है हिबिस्कस प्लांट बोलते हैं, गरहुल का फूल बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं। मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ, लाल रंग का यहाँ पे मैंने लिया है। ये बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, किसी भी कलर में आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, अरहुल का फूल जो होता है हमारे बालों को बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देता है। दोस्तों, हिबिस्कस प्लांट जो है हमारे बालों के लिए वरदान होता है। दोस्तों, अरहुल का पौधा, अरहुल की पत्तियाँ या फिर आप अरहुल के फूल भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, तो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित होगा। आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगा। दोस्तों, अगली सामग्री आपको लेनी है मेथी दाना। मेथी दाना के इतने फ़ायदे हैं कि मैं इसका गिनती नहीं करा सकती। फ्रेंड्स, हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है मेथी का दाना। हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी कर देता है और इसके साथ साथ ही हमारे बालों का टूटना झड़ना जड़ से रोक करके बालों को जड़ से बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। आपके बालों की जो टूटने झड़ने की अगर आप 10 गुने रफ्तार से टूटती है तो बिल्कुल 0.01% हो जाएगी। फ्रेंड्स, बाल बेहद लंबे हो जाएंगे और इसके साथ साथ ही बालों की खूबसूरती भी बढ़ेगी। दोस्तों, तो मेथी दाना के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब इसको बनाना कैसे, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है किसी भी बर्तन में, जिसमें भी आप चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, किसी में भी गर्म पानी करते हैं, उसमें आपको लेना है 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी वैसे आप अपनी लंबाई के हिसाब से थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे 2 या 3 या फिर 4 अरहुल की, जो अरहुल की फूल होती है जिसको आप गठुल बोलते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषाओं में जो भी बोलते हैं, वो आपको 3 से 4 पत्तियाँ या फिर फूल ले लेना है। फूल है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको फूल नहीं भी मिलता है तो इसकी पत्तियां भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देखिए, सूखी पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूजा पाठ में भी इस पौधे की, इस फूल को बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हमारे साइड में बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता होती है, पूजा में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे फूल चढ़ाने के बाद फेंके नहीं, उसका इस्तेमाल आप इस तरीके से बालों के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको 1 चम्मच के आसपास यहाँ पर आपको ले लेना है मेथी दाना। तो बस यहाँ पर 2 चीज़ ही मैंने इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों, इसको करना क्या है, इसको काफ़ी अच्छे से उबाल लेना है, बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए यहाँ पे आप 10 से 12 मिनट का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जैसे इसको आप उबालना शुरू कीजिएगा, इसकी जो कलर है, ख़ास तौर पे हमारा जो अरहुल का फूल का कलर है, हिबिस्कस प्लांट का जो कलर है ना, बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा, और यही इसी की वजह से आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाएगा। बालों की और भी इसमें एक और ख़ासियत मैं बताती हूँ कि बालों को काला भी बहुत ही अच्छे से करता है, नेचुरली काला करेगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कलर है जो कि आपके बालों में एक नेचुरली कलर ऐड होगा और आपके बाल सच में बहुत ही सुंदर, घने, मुलायम, काले हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो 10 से 12 मिनट ही आपको यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से उबाल लेना है। ये देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से उबल चुका है, पानी का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है। और इसको क्या करना है, आपको छान लेना है। ये जो पानी है ना, एकदम मैजिकल पानी है दोस्तों, ज़बरदस्त पानी है। कहीं भी ये फूल मिल जाए तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर 2 या 4 ज़रूर रख लेना, और अपने बालों के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करना। बालों की खूबसूरती तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों का अगर ग्रे हो रहा है, उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं आपके बाल, उसको भी ये जड़ से रोक देगा दोस्तों। तो ये तो हमारा आज का ये रेडी हो चुका है। अब इसको आपको कैसे लगाना है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं तो बालों में ऑयलिंग कर लें, कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल के बहुत सारे DIYs भी मेरे चैनल पे। उसके बाद आपको इसको शैम्पू करके अच्छे से अपने बालों को क्लीन कर लेना है, धो लेना है, साफ़ कर लेना है, क्योंकि साफ़ बाल में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो काफ़ी अच्छे से शैम्पू करने के बाद बाल को साफ़ कर ले, क्लीन कर ले, और उसके बाद ये जो पानी है ना, देख सकते हैं, इस पानी से अपने बालों को रिंज कर लेना है, धो लेना है। फ्रेंड्स, तो धोने के बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल भी
दूसरे पानी का इस्तेमाल ना करें, जैसे प्लेन वाटर होता है उससे आप ना धोए, एज इट इज़ इसको अपने बालों पे लगा रहने दे दोस्तों। और लगा जब रहेगा ना, तो जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तब आपको इसकी असला जो है असलियत पता चलेगा। आपके बाल बेहद सुंदर और बहुत ही मुलायम, खूबसूरत, सिल्की जो है दिखेंगे दोस्तों। साथ के साथ ही बालों का जो कलर है नेचुरली आपको ब्लैक दिखेगा। कुछ दिन ये नुस्खा करके देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आपके बाल बेहद सुंदर, मुलायम, काले ज़रूर हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेरे बाल बहुत ही सुंदर है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ DIYs ट्राई करती रहती हूँ, उसमें से ये भी एक है फ्रेंड्स। ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।